देश के सबसे सक्रिय सांसदों में अपनी पहचान बना चुके सांसद शंकर लालवानी एक बार फिर जनसेवा के लिए मैदान संभालते नजर आ रहे हैं। जहां संस्था नमो नमो शंकरा की ओर से वितरित किए जा रहे भोजन की पैकिंग खुद सांसद अपने हाथों से करते दिखाई दिए। देखिए यह रिपोर्ट। नजारा है संस्था नमो नमो शंकरा की ओर से जरूरतमंदों को वितरित किए जा रहे भोजन की तैयारी का, जहां खुद सांसद शंकर लालवानी जरूरतमंदों के लिए तैयार भोजन को पैक करते नजर आ रहे हैं। इससे पहले भी सांसद शंकर लालवानी लगातार कोरोना काल में अलग अलग तरह से जनसेवा करते देखे गए हैं। यही कारण रहा कि जब बात देश के सबसे सक्रिय सांसदों की आई तब उसमें भी सांसद शंकर लालवानी का नाम सबसे आगे रहा। पिछले लॉकडाउन में भी हमने देखा था कि नमो नमो शंकरा द्वारा उन विषम परिस्थितियों में काम किया था और वो सब काम किए थे जो उस समय आवश्यकता थी। भोजन राशन तो था ही सही और एम्बुलेंस दवाई हॉस्पिटल यहाँ तक कि जिन परिवारों में लोग पॉजिटिव आ रहे थे उन परिवारों के घरों तक दवाई पहुँचाना भोजन पहुँचाना उन लोगों को मदद करना सभी प्रकार के काम किए थे। और इस बार भी उन्होंने 10 टीमें बनाई और 10 टीमें अलग अलग काम कर रही है और चाहे ऑक्सीजन की ज़रूरत हो चाहे हॉस्पिटल में दवाई की ज़रूरत हो राशन हो भोजन हो अन्य व्यवस्था हो वो सभी व्यवस्था वो कर रहे हैं जो आज के समय आवश्यक है। पूरी टीम लगी हुई है। मैं पूरी टीम को बधाई देता हूं कि इस विषम परिस्थितियों में वो काम कर रहे हैं। कोरोना काल में जरूरतमंदों तक भोजन पहुंचाने का काम करने वाली संस्था नमो नमो शंकरा के पंकज फतेह चंदानी की माने तो संस्था लगातार जरूरतमंदों की सेवा का काम कर रही है, जिसमें मरीजों के लिए ऑक्सीजन से लेकर जरूरतमंदों तक भोजन पहुंचाने का काम किया जा रहा है। नमो नमो शंकरा माननीय सांसद शंकर लालवानी जी के नेतृत्व में पिछले लॉकडाउन में भी बहुत बढ़ चढ़ के कार्यक्रम किए, बहुत उत्साह के रूप में, ऐसे नहीं कि डर के रूप में कि कोरोना आए तो डरना है। माननीय सांसद जी ने ऐसी प्रेरणा हम सभी कार्यकर्ताओं में डाली थी तो हम लोग बहुत उत्साह के रूप में कार्य कर रहे थे। हम ऐसा महसूस नहीं होने दे रहे थे कि इंदौर शहर में लॉकडाउन लगा हुआ है। उसी उत्साह को देकर इस बार भी नमो नमो शंकरा इस बार बहुत बड़े पैकेज के साथ आया है। ऑक्सीजन सिलेंडर घर घर पहुँचाना, ऑक्सीजन रिफिलिंग करवाना, घर में सैनिटाइज कराना, ऐसे कई प्रकार राशन के पैकेट्स पॉजिटिव पेशेंट के घर पहुंचवाना, भोजन के पैकेट पॉजिटिव के यहाँ पहुंचवाना, ऐसे कई जैसे मोची है ऐसे लोग हैं जिन लोगों के अभी व्यापार बंद है उन लोगों के यहाँ भी भोजन की अब दिक्कत आने लग गई है, राशन की दिक्कत आने लग गई है, वहाँ पे भी हम लोग पहुँचाते हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो सांसद और उनकी संस्था की संवेदनशीलता का ही परिणाम है कि अब धीरे धीरे जरूरतमंदों तक राहत सामग्री पहुँचाने का काम तेजी गति से जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़ इंदौर।